दिल्ली में भले ही एलजी और आप सरकार के बीच हकों की जंग चल रही हो, लेकिन शुक्रवार को खास मौका था। बजट सत्र की शुरुआत में एलजी ने दिल्ली सरकार के कामों का बखान किया। सरकार की रिपोर्ट पढ़ते हुए उन्होंने तमाम वो काम गिनाए जिनका जिक्र केजरीवाल सरकार हाल ही के दिनों में कर रही है। शिक्षा और हेल्थ सेक्टर से लेकर मेट्रो की मंजूरी तक का इसमें जिक्र है। एलजी बैजल के भाषण में कामों की फहरिस्त पर नजर डालिए। 149 स्कूलों में नर्सरी शुरू की, 32,455 बच्चों को EWS कोटे में दाखिला दिलाया, 31 नए स्कूलों का निर्माण शुरू कराया, 25 वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर बनवाएंगे, लिंग अनुपात बेहतर करने की कोशिश की, घने इलाकों के लिए बाइक एम्बुलेंस शुरू की, CM तीर्थ यात्रा योजना शुरू की, मेट्रो के चौथे चरण की मंजूरी दी, 40 सेवाओं को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की। डिप्टी CM अनिल सिसोदिया के मुताबिक अभिभाषण में सरकार के कामों की पूरी तस्वीर दिखी। बहुत खुशी की बात है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण से शुरुआत हुई। उन्होंने दिल्ली सरकार की तमाम उपलब्धियों को बहुत अच्छे से सराहा है और इस पर चर्चा भी सदन करेगा आगे आने वाले समय में। आने वाले समय में हम आउटकम बजट, जो हमारी सरकार ने एक नई परंपरा शुरू की है, वो भी रखेंगे कि किस तरह से पिछले एक जब बजट लेके आती है सरकार तो उसका आउटकम क्या रहा, सिर्फ आउटपुट नहीं आउटकम क्या रहा, तो उसका भी प्रस्तुत किया जाएगा इस सेशन में। और उसके साथ साथ फिर मेन बजट जिसका जो जिसके लिए मेन सेशन बुलाया गया है वो भी रखेंगे। तो आज तो इसकी शुरुआत हुई है। सरकार ने अपने काम गिना दिए लेकिन विपक्ष के साथ पटरी नहीं बैठी। सत्र शुरू होने के कुछ वक्त बाद ही बीजेपी के विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। विजेंद्र गुप्ता और OP शर्मा सरकार पर जमकर बरसे। दल भैया मिलाते हुए केजरीवाल जी उन देशद्रोहियों के साथ देशद्रोही की मुद्रा में खड़े हुए। हम केजरीवाल जी से ये मांग करते हैं कि उन देशद्रोहियों की जो फाइल, उनके केस के लिए जो उन्होंने रोकी हुई है, दबाई हुई है, उस फाइल को वो क्लियर करें। इसके लिए हमने उनसे कहा तो उन्होंने कोई जवाब इस बात का नहीं दिया। और हमने उनसे ये भी कहा कि वो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हैं। केजरीवाल जी ऐसा वातावरण बनाने वालों का साथ दे रहे हैं, उसके विरोध में हम खड़े हुए थे और हमने वहाँ पर मुख्यमंत्री जवाब मांगा। मुख्यमंत्री जी ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और इसलिए हमको हंगामा करना पड़ा। सरकार के कामों का बखान हो गया और लगे हाथ ये भी साफ हो गया कि इन्हीं मुद्दों पर केजरीवाल सरकार 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव में वोट मांगते दिखेगी।